गुड मॉर्निंग मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। सो पूरे मौर्य परिवार की तरफ से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कितने लोग अपने मौर्य बिजनेस को बहुत तेजी से आगे बढ़ाना चाहते हैं? अगर आप चाहते हैं कि यस आई वांट टू बिल्ड माय मौर्य बिजनेस एक्सेलरेटेड टू द नेक्स्ट लेवल, से यस। अगर आपने अभी तक इसको डाउनलोड नहीं किया तो इसको डाउनलोड कर लीजिए और अपने हर ग्रुप में इसको सर्कुलेट कर दें, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी योर वर्चुअल मेंटोर, योर वर्चुअल गाइड, योर वर्चुअल अपलाइन, योर वर्चुअल सारथी। दिस इज गोइंग टू लीड यू टू आजादी। कितने लोगों ने ऐप ऑलरेडी डाउनलोड कर ली है? और इस ऐप का नाम है, नेचुरली आप सब जानते हैं, रोड टू फ्रीडम। हर वो व्यक्ति जो मौर्यगढ़ में आया है एक होप टू फ्रीडम लेकर, हर वो अपलाइन जिसने उस होप टू फ्रीडम को नर्चर किया है, सींचा है, उसके लिए है रोड टू फ्रीडम। ओके, क्या अब आपको मेरे मोबाइल की स्क्रीन दिख रही है? समवन कैन कंफर्म? यस सर, यस सर। ग्रेट। सो ये मेरे मोबाइल की स्क्रीन है और यहां पे आपको रोड टू फ्रीडम का आइकन दिख रहा है। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं और आप देखेंगे कि अब ये मोबाइल ऐप ओपन हो रही है और ये इसका लॉग इन स्क्रीन है। लॉग इन आप अपने MCA नंबर से कर सकते हैं पासवर्ड डाल के, और अगर आपको आपका MCA नंबर पासवर्ड याद नहीं है तो आप मोबाइल नंबर के साथ भी लॉगिन कर सकते हैं। तो हमने एक डमी अकाउंट बनाया है ये डेमो दिखाने के लिए। तो मैं यहां पे अपना मोबाइल नंबर डालता हूं, सेंड OTP के ऊपर क्लिक करूंगा, OTP मेरे नंबर पे आएगा और इस OTP के ऊपर क्लिक करके मैं ऐप में लॉगिन कर जाऊंगा। तो आई एम लॉग्ड इन द ऐप। जब आप पहली बार ऐप में लॉगिन करेंगे तो आपको कुछ इस तरह की स्क्रीन दिखाई देगी जिसमें मिस्टर समीर मोदी जी आपका स्वागत कर रहे हैं और वो आपको बता रहे हैं कि उनका विजन क्या है मोदीगढ़ को बनाने के लिए और कैसे रोड टू फ्रीडम ऐप उस विजन को पूरा करने में हमारी मदद करेंगे। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो उसके बाद जो पहली स्क्रीन आएगी वो ये है कि रोड टू फ्रीडम आपसे पूछेगी आपका सपना क्या है। हम सारे जानते हैं कि सपनों को पूरा करने के लिए ही लोग मोदीगढ़ में आते हैं। सपना ही वो वाय है जिससे आप मेहनत करते हैं, होम मीटिंग्स करते हैं, वन ऑन वन प्लान दिखाते हैं। तो सबसे पहले आइए अपना सपना सेट करते हैं। अपलोड योर ड्रीम फोटो के ऊपर क्लिक करें तो ये 5 कैटेगरीज के सपने हैं और मेरा इस समय जो सबसे बड़ा सपना है वो है एक ड्रीम बाइक। मैंने ड्रीम बाइक के ऊपर क्लिक किया और कुछ बाइक्स मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। मैं गैलरी से चूज कर सकता हूं या अपनी खुद की मनपसंदा बाइक भी अपलोड कर सकता हूं, जैसे आप चाहें। मैंने एक बाइक चूज करी। कब तक मैं ये बाइक लेना चाहूंगा? इस साल के अंत तक मैं ये बाइक लेना चाहता हूं। कितने की आती है ये बाइक? फॉर एग्जाम्पल 5 लाख रुपए की। तो मैंने अपना ये बाइक का सपना यहाँ पे सबमिट कर दिया और यहाँ पर ये बाइक आ गई 5 लाख रुपए की 31 दिसंबर तक। मेरा एक और सपना भी है, फॉर एग्जाम्पल मुझे विदेशों की यात्रा करने जाना है पूरे परिवार के साथ। मैं जाना चाहता हूँ, मान के चलिए मार्च की छुट्टियों में, जब मार्च के एग्जाम हो जाएंगे तो 18 मार्च को मैं जाना चाहूंगा पूरे परिवार के साथ। 3 लाख रुपए का खर्चा आएगा। दुबई घूमने जाना चाहूंगा या बैंकॉक या मलेशिया या सिंगापुर या जो भी आपका मन पसंदीदा शहर हो सकता है। तो आपने अपना ड्रीम ट्रेवल भी यहाँ पे सेव कर लिया। आप इससे भी ज्यादा अपने सपने सेव कर सकते हैं। और आपने फिर सपने सेट करने के बाद कंटिन्यू के ऊपर क्लिक किया। अब दूसरी स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा है इनकम सिमुलेटर। समीर मोदी आजादी प्लान में यदि आप पैसा कमाना चाहते हैं, कितना पैसा कमाना चाहते हैं और उसके लिए आपको किस तरह का नेटवर्क चाहिए, ये इनकम सिमुलेटर आपको आइडिया दे देगा। एग्जैक्ट 100% ये प्लान की कैलकुलेशन नहीं है, लेकिन ये आपको एक डायरेक्शन, एक आइडिया देने के लिए कि कितना पैसा कमाने के लिए कितने लोग चाहिए वो आपको बताएगा। सो 25,000 से ये सिमुलेटर शुरू हो रहा है और आप देख रहे हैं कि एक लेग में अगर 25,000 पे कमाने हैं तो हमें 36 लोग चाहिए और उसके अलावा बाकी लेग्स में हमें तकरीबन चाहिए 11 लोग। और ये जो लोग हैं 36 और 11, तकरीबन 6,000 पे उन्होंने एवरेज की, यानी कि 100 PV की परचेजिंग करें। अब ये ऊपर वाले स्लाइडर को अगर आप मूव करेंगे, जैसे जैसे आप इनकम को चेंज कर रहे हैं आप देख रहे हैं कि नीचे भी स्लाइडर चेंज होता जा रहा है और ये आपको बताएगा कि कितनी इनकम के लिए कितनी लेग्स में कितने लोग चाहिए, कितनी सेल चाहिए इन रुपी वैल्यू। और इतना ही नहीं, ये आपको साथ में स्ट्रक्चर भी बता देगा। तो 2 लाख कमाने के लिए मुझे पहली लेग में चाहिए 108 लोग, दूसरी लेग में 84, फिर 72 और बाकी 3 लेग जिसमें 36 36 36 लोग हों। और इनका जो सजेस्टेड स्ट्रक्चर है, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूं
तो मुझे ये पूरा सजेस्टेड स्ट्रक्चर भी बता रहा है कि जो ये 108 लोग हैं वो किस तरह से हमारी लेग में हो सकते हैं. इट इज ओनली अ सजेशन, इट इज अ डायरेक्शन, इट इज एन आइडिया कि इतने लोग ऐसे स्ट्रक्चर में अगर हो तो आपका 2 लाख रुपया बन जाएगा. कैसा लगा आपको ये इनकम सिमुलेटर? मदद करेगा ये आपको आपके बिजनेस को सेट करने में, अपने डाउनलाइंस, अपनी न्यू जॉइनिंग के साथ बात करने में? और मैं आपको बता देता हूं कि ये इनकम सिमुलेटर इस तरह के प्लान में पूरी दुनिया में कहीं पर भी नहीं है. दिस इज इंडस्ट्री फर्स्ट इनकम सिमुलेटर. और ये 10 लाख रुपए तक जाता है. 10 लाख के बाद हम एक अभी आपको मैसेज दिखा रहे हैं कि आप हमारे नजदीकी, अगर आप 15-20-25 लाख रुपए का स्ट्रक्चर जाना चाहते हैं तो हमारे नजदीकी ऑफिस में जाके एरिया सेल्स मैनेजर के साथ बात कर सकते हैं. अब आपको ये अंदाजा लग गया है कि कितना पैसा कमाने के लिए कितना नेटवर्क बनाना है. टिक मार्क के ऊपर क्लिक करें. अब आप अपना इनकम गोल सेट कर सकते हैं. कभी कभी लोगों को ये तो मालूम नहीं होता कि कितना नेटवर्क बनाना है, इनकम वो लिख देते हैं 50 लाख रुपए. तो इससे पहले कि आप अपना इनकम गोल सेट करें, आपको अंदाजा होना चाहिए कि कितना बड़ा नेटवर्क बनाना है. वो अंदाजा आपको लगता है इनकम सिमुलेटर से. तो मान के चलिए मैं हर महीने 2 लाख रुपए कमाना चाहता हूं. और 2 लाख रुपए के लिए स्ट्रक्चर क्या चाहिए था, हम पीछे जाके दोबारा देख सकते हैं. 2 लाख रुपए के लिए स्ट्रक्चर हमें क्या चाहिए, वो 2 लाख रुपए के ऊपर हम स्लाइडर को मूव करेंगे तो हमें ये बता देगा कि 2 लाख के लिए कैसा स्ट्रक्चर चाहिए. और अब हम जब मालूम चल गया है कि 2 लाख के लिए हमें कैसा स्ट्रक्चर बनाना है, तो बैंक ऑफ आजादी के ब्लैंक चेक में आप पर मंथ जो आपका ड्रीम चेक है 2 लाख रुपए पर मंथ, वो आप भर सकते हैं. सेटेस टारगेट करिए, आपका 2 लाख रुपया टारगेट सेट हो गया है. उसके बाद स्क्रीन आगे मूव होगी, यहाँ पे एक वीडियो है, ये वीडियो आप क्लिक करके आराम से देखिए. यहाँ पे बताएगा कि बेसिक एक्शंस क्या करने हैं मोदी केयर में, एंड देन क्लिक और स्टार्ट योर आजादी जर्नी. तो अभी तक आपने अपना सपना डाल दिया, अभी तक आपने इनकम सिमुलेटर से मालूम कर लिया कि आपको किस तरह का नेटवर्क बनाना है, और आपने अपना इनकम टारगेट गोल भी सेट कर लिया. Now click on start your आजादी जर्नी. आइए हम मोदी केयर की आजादी जर्नी को शुरू करते हैं. और जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये लेकर आएगा हमें रोड मैप के ऊपर. दिस इज आजादी रोड मैप. और ये हमें बताएगा कि हमें आज टूडे कौन सा एक्शन करना है, आने वाले दिनों में हमें क्या करना है, कौन से एक्शन ऐसे हैं जो हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और कौन से ऐसे एक्शन हैं जो अब हम नहीं किए. मैंने अभी आजादी जर्नी शुरू करी है तो आप देख रहे हैं कि इनकम गोल सेटिंग और कैप्चर ड्रीम्स हमें 2 कंप्लीट कर चुके हैं, और हमें ये दोनों एक्शन कंप्लीट करने के 10-10 आजादी पॉइंट्स भी मिले हैं. और अगर ये नीचे क्लिक करें तो आप देखेंगे कि वेलकम बोनस हमें मिला है 100 आजादी पॉइंट्स. तो हमारे 120 आजादी पॉइंट हो चुके हैं, और जो भी हम एक्शन लेंगे उसके ऊपर हमें आजादी पॉइंट्स मिलेंगे. अब ये एक्शंस हैं जो हमारा डिजिटल सारथी हमें गाइड कर रहा है कि भाई साहब ये एक्शन लीजिए. जिसमें एक एक्शन अगर आप ध्यान से देखें तो वो है बिल्ड मेमोरी जॉगर, यानी कि लिस्ट बनाना. लिस्ट अभी तक कागजों पे बनती थी, कागज गुम हो जाते थे, फट जाते थे. अब लिस्ट आपकी मोबाइल के अंदर बनेगी. तो बिल्ड डिजिटल जॉगर के ऊपर क्लिक करें. कैसे बनाना है अपना मेमोरी जॉगर, ट्यूटोरियल के ऊपर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं. मैं अभी उस वीडियो को मैं डिटेल में नहीं जा रहा. दोबारा से बिल्ड मेमोरी जॉगर के ऊपर क्लिक करें, और आप यहां से कॉन्टैक्ट्स में भी चूज कर सकते हैं या नाम भी ऐड कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे, सौरभ जी अपना मोबाइल नंबर बताइए जो सबको मालूम है ऑलरेडी. सौरभ जी okay, तो मैं यहाँ पे कोई एक नंबर डालता हूँ और मैं उनको मेमोरी जॉगर में सेव करता हूँ. 9599 कोई बात नहीं, इट्स ओके. और यहाँ पे मैंने उनको सेव किया, और जैसे ही मैंने सेव किया तो हमें एक आजादी पॉइंट भी मिल गया. ऐसे ही आप अपना पूरा मेमोरी जॉगर बना सकते हैं, और आप अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट से भी इसको फेच कर सकते हैं. गुड. अब जो आपने मेमोरी जॉगर बनाया, वहीं से ही आप इन लोगों को कॉल भी कर सकते हैं, अपने प्रोस्पेक्ट्स को कॉल भी कर सकते हैं. सो एक बार दोबारा मेमोरी जॉगर पे जाते हैं, एक नाम और ऐड करते हैं. तो सलमान खान मेरा बहुत अच्छा दोस्त है. अपना नंबर बताइए सौरभ जी. 9599 9599 9599 09 09 03. कैटेगरी चूज करिए, कंज्यूमर या नेटवर्किंग या बोथ, और इसको सेव कर दीजिए. अब यहाँ पे देखिए जो हमारी ये लिस्ट है, यहाँ से हम कॉल भी कर सकते हैं, SMS भी कर सकते हैं, और WhatsApp भी कर सकते हैं अपने प्रोस्पेक्ट को यहीं से. गुड. एक हमने एक्शन ले लिया, मेमोरी जोगर बनाया. आइए अपॉइंटमेंट फिक्स करते हैं, क्योंकि एक बार मेमोरी जोगर के बाद आप अपॉइंटमेंट फिक्स करेंगे. तो फिक्स अपॉइंटमेंट के ऊपर क्लिक किया, और अब किसके साथ आपकी अपॉइंटमेंट है, कितने बजे है, कौन सी तारीख को है. मान लीजिए 27 तारीख को प्लान प्रेजेंटेशन है हमारी आपके प्रोस्पेक्ट के साथ. तो आपने अपने
अपॉइंटमेंट के कैलेंडर में इसको फिक्स कर लिया, सेव कर लिया, एड टू माय कैलेंडर करेंगे तो ये आपके मोबाइल के नेटिव कैलेंडर में भी सेव हो जाएगा। तो आप देखें आपके कैलेंडर में ये सेव हो चुका है, प्लान प्रेजेंटेशन विद सौरभ। ये बेसिक काम है जो हमें हर रोज करने हैं। यस, सो अभी तक हमने क्या किया, मेमोरी जॉगर में लोगों के नाम ऐड करे, वहां से हमने अपॉइंटमेंट फिक्स करी, अब हमने उनको प्लान दिखाना है। तो प्लान प्रेजेंटेशन के ऊपर क्लिक किया, अपलोड प्रेजेंटेशन सेल्फी, वो एक परिवर्तन में था या वन ऑन वन मीटिंग थी या किसी एक सेमिनार में गए थे, आप अपनी खुद की सेल्फी भी ले सकते हैं या अपने लाइब्रेरी से कोई फोटो कैप्चर कर सकते हैं। सो लेट्स से मैं अभी एक डमी कोई एक फोटो डाल रहा हूं। अब आपने वो प्रेजेंटेशन करी, वो भी आप इसमें डाल लीजिए ऑफकोर्स, और आप उसमें एक कमेंट भी डाल सकते हैं कि क्या रिजल्ट आया। तो आपका प्रेजेंटेशन का भी एक्शन कंप्लीट हो गया। ऐसे कई सारे एक्शंस हैं, पर्सनल ऑर्डर के लिए एक्शन है, अगर आपका एनईएफटी या केवाईसी नहीं हो रखा होगा तो वो एक्शन दिखाएगा, कोई हमारी तरफ से कुछ नया कोई जरूरी बिजनेस अपडेट है, स्मैप 2.0 की ये एक ट्रेनिंग है, इसको जरूर अटेंड करिएगा। ये प्रशांत सर ने एक ट्रेनिंग करी है ऑन द स्मैप 2.0, ये पूरा इसमें आपके रोड में आपके ऊपर ये एक्शन के रूप में डाला गया है। सो अब जब आप ये एक्शन करेंगे, जब आपकी टीम ये एक्शन करेगी, तो ये निश्चित है कि टीम में सफलता तो आएगी। और जैसे जैसे आप ये एक्शंस करेंगे वैसे वैसे आपको आजादी पॉइंट्स मिलेंगे, और इन आजादी पॉइंट्स के थ्रू आगे जाकर आप कई सारे ऑफर्स को भी अवेल कर सकते हैं। लेकिन अब मुद्दे की बात यह है कि अगर आपने सपना तो बना लिया एक बड़ी कार का और इनकम भी डाल दी 10 लाख रुपए की, यदि आप एक्शन करेंगे नहीं तो ये जो डिजिटल सारथी है आपका रोड टू फ्रीडम, ये इतना हक भी रखेगा कि आपको सुबह सुबह उठकर रिमाइंड करवाएगा कि भाई साहब सपने तो देखते हो, बड़े बड़े काम तो कर नहीं रहे आप, ऐसे कैसे चलेगा। तो ये एक्चुअल में एक ऐसे अपलाइन का, एक ऐसे सारथी का रोल प्ले करेगा जो सिर्फ आपको प्यार नहीं करता लेकिन जरूरत पड़ने पर आपको याद भी कराता है कि काम करने से ही फल मिलता है। गुड, तो ये है हमारा रोड मैप। आइए अब होम टैब के ऊपर आते हैं। अभी क्योंकि ये डमी है तो इसमें कुछ आपको इनकम नहीं दिख रही, लेकिन जो आपका टारगेट है वो यहां पर आएगा और पिछले 6 महीने की इनकम आएगी। इनकम सिमुलेटर के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहां से भी आप इनकम सिमुलेटर को दोबारा ओपन कर सकते हैं। और यस, तो आइए दोबारा से बिजनेस डैशबोर्ड पर आते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक्शन प्लान वर्सेस परफॉर्मेंस, पर्सनल परचेज यस या नो, लॉयल्टी बिलिंग यस या नो, प्रोस्पेक्ट आपने कितने ऐड किए इस महीने में, 50 ऐड करने थे अभी तक, आपने देखा कि मैंने 2 ऐड किए, होम मीटिंग 4 करनी थी हफ्ते की 1, अभी तक 0 करी, प्लान प्रेजेंटेशन महीने में 20 करनी थी, अभी तक मैंने 1 कर ली है, और न्यू स्पॉन्सरिंग 4 का हमने टारगेट लिया था, अभी तक हमने कोई नहीं करी। तो ये सारा आपको एक्शन प्लान और परफॉर्मेंस का लेखा जोखा आपको यहाँ पे दिखाएगा, और सिर्फ आपके लिए नहीं, आपके डाउनलाइंस का भी आप देख सकते हो। नीचे जाते हैं, नेक्स्ट लेवल के लिए कितना जीपीवी चाहिए, पर्सनल पीवी, एक्यूमुलेटेड पीजीपीवी, डायरेक्टर लेक, टोटल लेक्स कितनी हो चुकी है। बिजनेस रिपोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका पूरा 6 महीने का डेटा यहाँ पे आएगा टेबुलेटेड फॉर्मेट में। आप जब अपने ऐप में देखेंगे तो आपको पूरा यहाँ पे ग्राफ दिखेंगे, क्योंकि मेरे इस डमी एड में, डमी एमसीए नंबर में डेटा नहीं है और हम किसी दूसरे का डेटा दिखाना भी नहीं चाहते, अदरवाइज आपको यहाँ पे पूरे ग्राफ बार्स दिखेंगे। एक जो बहुत बेहतरीन चीज है वो है लॉयल्टी रिपोर्ट, आपको अगेन कौन से महीने में आपका पूरा हो रहा है लॉयल्टी, वो भी ग्राफिकल रिपोर्ट दिखाई देगी। आइए एक चीज दिखाते हैं आपको जिसे हम कहते हैं राइजिंग स्टार। सो माई नेटवर्क के ऊपर क्लिक करेंगे, ये मेरा नेटवर्क है, ये बेसिकली सारी डमी आईडीज हैं जो हमारी टीम में है। अब मैं किसी भी व्यक्ति का स्टेटस देखना चाहता हूँ अपनी टीम में, ये मेरे डायरेक्ट है सबसे पहले, तो मुझे दिखा रहे हैं कि लॉयल्टी मंथ कितना हो गया, पर्सनल पीवी कितना हो गया, उनका एनईएफटी केवाईसी पैन का स्टेटस क्या है, उनका पैट ऊपर वाला पैट टाइटल है, पीएटी नीचे वाला वैलिड टाइटल है। और जब मैं एरो के ऊपर क्लिक करूंगा किसी भी एमसी नंबर किसी भी नाम पे, तो ये उस डाउनलाइन का पूरा लेखा जोखा मेरे सामने आ जाएगा। अब मैं अपने डाउनलाइन के साथ बैठा हूं, उनके साथ बिजनेस प्लानिंग सेशन कर रहा हूं, और उन्होंने मुझे बोला है मेरे डाउनलाइन ने कि वो खूब पैसा कमाना चाहते हैं, खूब काम करेंगे, लेकिन काम तो दिख नहीं रहा यहां पे मुझे, वो सिर्फ बातें ही कर रहे हैं या फील्ड में जाके काम भी कर रहे हैं, क्योंकि काम करने के बाद ही, हरकत के बाद ही बरकत आती है, मोदी कर में बाय डिफॉल्ट सफलता नहीं मिलती। ओके, और उनके नीचे जाना है तो उनकी डाउनलाइन की रिपोर्ट यहां पे आ जाएगी, उनकी बिजनेस रिपोर्ट, उनकी लॉयल्टी रिपोर्ट आप देख सकते हैं। और आपकी टीम में हो सकता है 500 लोग हैं, 1000 लोग हैं, लेकिन जो आप जिनके ऊपर फोकस कर रहे हैं उनका नंबर है 25। तो हर बार आपको अपनी टीम में, पूरे नेटवर्क में खंगालना पड़ता है उन लोगों का बिजनेस स्टेटस देखने के लिए जिनके ऊपर आप फोकस करना चाहते हैं। पर हम चाहेंगे कि आपको ऐसी मेहनत ना करनी पड़े,
तो इसीलिए हमने एक फैसिलिटी दी है जिसे हम कहते हैं राइजिंग स्टार। वो लोग आपकी टीम में जो वाकई में मेहनत कर रहे हैं और आपके काम को, आपके समय को वैल्यू देते हैं, जो वाकई में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो आप किसी भी व्यक्ति को अपनी टीम में राइजिंग स्टार के रूप में उनको मार्क कर सकते हो। सिर्फ आपको करना क्या है कि स्टार बटन के ऊपर क्लिक करना है और ये राइजिंग स्टार लिस्ट में ऐड हो जाएंगे। और आपके ये ऊपर देखिए दो नाम आ चुके हैं, एक नाम मैंने पहले ऐड किया हुआ था। अब जब हमें करना क्या है, जब हम होम पेज में हैं यहाँ पे, तो सिर्फ सी ऑल के ऊपर क्लिक करना है तो ये राइजिंग स्टार का जो लिस्ट है वो खुल जाएगा। और ये राइजिंग स्टार हमारी डीप में कहीं पे भी हो सकते हैं, तो मुझे बार बार अपने नेटवर्क में खंगालने की, सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ रही। और इसके अलावा एक बहुत अच्छी चीज है, जब आप माई नेटवर्क में जाएंगे तो यहाँ पे ये फिल्टर का बटन है। और ये जो भी पवित्र जी ने बोला है, मैम आपके क्वेश्चन का आंसर कर रहा हूँ, ये फिल्टर के बटन पे आप कोई भी फिल्टर लगाइए, उसके ऊपर फिर अप्लाई कर दीजिए। फिल्टर आप लगा सकते हैं पर्सनल पीवी रेंज के ऊपर, जीपीवी रेंज के ऊपर, पीजीपीवी रेंज के ऊपर, पेड एस टाइटल या वैलिड टाइटल के ऊपर, और आपकी डीप के भी जो इस फिल्टर के हिसाब से लोग हैं वो दिखने शुरू हो जाएंगे। ओके, और उसके बाद फिर आप उनको राइजिंग स्टार के रूप में कर सकते हैं। उनके ऊपर स्टार के ऊपर क्लिक करके वो आपकी राइजिंग स्टार की लिस्ट में ऐड हो जाएंगे। गुड, अच्छा लगा ये फीचर। तो वेरी वेरी सिंपल टू यूज बट वेरी वेरी यूजफुल। अकेडमी के ऐप में आपको हमारे आजादी मंत्रास, आजाद हूं मैं, आजादी का सफर, जो हमारी लीडर्स की वीडियोज है, सपनों की आजादी कैंपेन, मोदी के आजादी स्टोरीज, अर्बन कलर लंदन, अमोली, वेल, कुकू, एनवायरो चिप, प्रोडक्ट के डेमो, सॉल्ट फ्लेवर, होम केयर, पर्सनल केयर, ये कई सारी वीडियोस मिलती हैं। और आगे आने वाले कुछ दिनों में हम इसमें और सारी वीडियोस ऐड करते जाएंगे। और ये सारी शेयरेबल वीडियोस हैं, आप इसके ऊपर जब क्लिक करेंगे तो अपने किसी भी प्रोस्पेक्ट के साथ शेयर कर सकते हैं। रोड मैप का टैब आप ऑलरेडी देख चुके हैं, नोटिफिकेशंस में जितनी भी आपको नोटिफिकेशंस आती हैं वो दिखाई देंगी, और प्रोफाइल के टैब में जाकर आप मैनेज ड्रीम्स, ये तो जो आपको सपने आपने चूज किए थे वो यहाँ पे आपको दिखाएंगे। मैनेज ड्रीम के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आप दोबारा से ड्रीम वाले सेक्शन पे चले जाएंगे, और इसके अलावा अगर आप दोबारा से अपना कैलेंडर देखना चाहते हैं तो आप माई कैलेंडर पे क्लिक करें, और अगर आप इनकम गोल सेट को दोबारा सेट करना चाहते हैं अपने इनकम को, तो भी आप इस इनकम गोल सेटिंग के बटन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। माय प्रोफाइल सेक्शन से आप अपना एमसीए कार्ड, ये आपकी डिटेल्स हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट्स के सेक्शन पे जाकर आप अपना एमसीए कार्ड और वैलिड टाइटल सर्टिफिकेट का कार्ड, वैलिड टाइटल सर्टिफिकेट भी डाउनलोड कर सकते हैं। और कुछ जरूरी रिसोर्सेज हैं, ऑर्डर फॉर्म, प्रोडक्ट कैंसिलेशन फॉर्म, प्रोडक्ट रिटर्न फॉर्म, ये भी डाउनलोड कर सकते हैं। सो दिस इज ओवरऑल ऐप योर डिजिटल सारथी। आगे आने वाले कुछ दिनों में हम इसमें कई सारे और फीचर्स भी ऐड कर रहे हैं, जिसमें से एक है इसको मल्टी लिंगुअल बनाना, कई लैंग्वेजेस में लेकर आना। दूसरा है इसमें हम शॉपिंग भी ऐड करेंगे आपके लिए, बिलिंग भी ऐड करेंगे। तो हमारा मानना यह है कि जब आप इस ऐप को रेगुलर यूज करते हो, अपने डाउनलाइंस तक पहुंचाते हो, और जो ये ऐप आपको सजेस्ट करती है कि ये एक्शन लीजिए, अगर वो एक्शन आप लेते हैं, इसके थ्रू आप बिजनेस प्लानिंग भी कर सकते हैं, तो ये ऐप आपके बिजनेस को बहुत तेजी से आगे बढ़ाने में आपकी मदद करेगी। सो आई होप आपको रोड टू फ्रीडम ऐप अच्छी लगी।